हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेएमआई म्यूजिक में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपने कीबोर्ड एक्सपीएस 10 में बैंक कैसे एडिट कर सकते हैं, यानी हम किसी भी टोन को बैंक के अंदर कैसे लगा सकते हैं। तो पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि एक्सपीएस 10 के अंदर एक बैंक के अंदर हम नो टोन रख सकते हैं और एक्सपीएस 10 के अंदर ऐसे नो बैंक हैं, तो टोटल हम एक्सपीएस 10 के अंदर 81 टोन रख सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप अपने टोन को एक्सपीएस 10 के बैंक में कैसे सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो टोन चूज कर लेनी है जोन सी आपको इस बैंक के अंदर सेव करनी है। तो मान लीजिए मेरे को ये टोन अपने बैंक के अंदर सेव करनी है, तो उसके लिए मेरे को इस टोन पे लगा लेना है और फिर मेरे को यहाँ पे ये फेवरेट न्यूमरिक बटन पर क्लिक करना है और फिर इसके बाद मेरे को जोन से बैंक में सेव करनी है उसको लगा लेना है। तो मान लीजिए मैंने ये दूसरे बैंक के तीसरे नंबर पर सेव करनी है, तो मैंने दूसरा बैंक लगाया। अब मेरे को ये दबाए रखना है और तीसरे को दबाना है, तो वैसे हमारी ये टोन तीसरे नंबर पर सेव हो जाएगी। तो मैं आपको एक टोन और करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे को आप इसमें से मेरे को ये टोन अपने बैंक में एडिट करनी है, तो इसके लिए मेरे को फिर से जाना है बैंक में और यहाँ से अपना बैंक चूज करना है। मान लो मैं 0 करता हूँ और इसकी मेरे को 0 टोन में ही ये सेव करनी है, तो मेरे को ये दबाए रखना है और 0 को दबा देना है, तो ऐसे ये हमारा सेव हो जाएगा। तो हमने सीखा कि हम एक्सपीएस 10 के अंदर बैंक को कैसे एडिट कर सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि आप एक्सपीएस 10 में ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए ये स्केल है, अब हमको ये स्केल यहाँ पे लेके आना है, तो हम इस स्केल को यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हैं। तो स्केल ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये है तो ये यहाँ पे लेके आना है, तो यहाँ पे हमको ट्रांसपोज दबाए रखना है और एक यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए मैं इसको एक और बार कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गई, और मान लीजिए मैं इसको अगर एक और बार करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी, और अगर मान लीजिए मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये अब यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे आप अपने किसी भी टोन को ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आशा है कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन रहता है तो आप उसको कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हो, तो हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।